अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमारे पैसे का हमें अपने पैसे अपने पर्स में रखे थे, पा नहीं, तुमने चुराए ना? क्या दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे हम अपने पैसे क्यों चुराएंगे? तुम शायद भूल गई हो। देखो, तुमने कहा था कि पति पत्नी के बीच में कोई अंतर होता नहीं, जो पति का है वो ऑटोमेटिकली पत्नी का होता है और जो पत्नी का होता है वो पति का है। तो वो पैसे हमारे ही तो हुए हैं। देखो कितना बढ़िया कुर्ता लेके आए हैं, ये जैकेट लेके आए हैं, मजा आ गया आज, बढ़िया लग रहा ना? हमारे हमारे पैसे उड़ा दिए, ये खरीद कर लायो, ये सारे पैसे खत्म कर दिए क्या? या कुछ बचाया है कि हमें दिखाया कहाँ रखे, कौन सी जेब में, कितने पैसे उड़ाए, पैसे बचेंगे कहाँ? इतना बढ़िया कुर्ता खरीद के लाए, कुछ नहीं बचा हमारे पास। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ऐसे सारे पैसे कैसे उड़ा दिए? वो इन कपड़ों पर हम क्या पहने के लिए नहीं जा सकते पानी में हमारे पैसे? सुकौन बिना दादी, ये जगह तो हमें बहुत महंगी लगती है। मतलब यहाँ पे जो भी सामान है ना, सब कुछ बहुत महंगा है, अब इसीलिए हम ना कहीं और चलते हैं जहाँ सस्ता। यहीं से लेंगे हम सब कुछ, अगली जो हम करने जा रहे हैं ना उसके लिए महंगा सामान खरीदने की जरूरत है, समझी? चल 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 चल। आइए मैडम, साड़ी देखिए। जी हमें कम से कम दाम, हमारा मतलब कि 2-4 हजार तक के आसपास की कोई अच्छे से साड़ी दिखाइए ना। आइए लेकर आता हूँ। हमारे राजीव बाबू हमारे आराध्य हैं, हमारे पति हैं। ना तो हमको आप लोगों की सांत्वना चाहिए, जानते हैं क्यों? ये जो लड़की है ना, ये हमारी पत्नी है, माय पार्टनर फॉर लाइफ। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर 9:30 PM। भैया ये साड़ी तो बहुत अच्छी है, आप पर क्या दाम है इसका? 10,000। 10,000? नहीं भैया ये तो बहुत महंगी है, हमने आपसे कहा था ना कि हमें 2-4 हजार तक के बजट के आसपास की कोई साड़ी दिखाइए, अब वही दिखाइए ना, कुछ और दिखाइए हमें। ये देखिए मैडम। ये जगह बिल्कुल सही लग रही है उस काम को अंजाम देने के लिए जो हम यहाँ कर रहे हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा है करते, लेकिन मजबूरी ना इंसान से बहुत कुछ करवाती है। आपकी जगह बात है, अगर हम मजबूर हैं इसलिए हमें ही करना पड़ेगा। यहाँ से कोई एक अच्छी साड़ी लेकर चुपचाप निकल जाएंगे ताकि किसी को कुछ पता ना चले। भैया ये वाली साड़ी दिखाइए ना। भैया अब चेंजिंग रूम कहाँ है? वहाँ है मैडम। दादी ये साड़ी हमें अच्छी लगी, भैया ये साड़ी अच्छी है, आप इसे पैक कर दीजिए। अरे सर्वेश ये साड़ी पैक कर देना। अगर आप
आपको अपने लिए कुछ पसंद आए तो आप ही। अरे नहीं, हम कब, हम थोड़ी पहनेंगे ये सब। काफी समय हो गया, अब तक वो साड़ी पैक करके नहीं आया। पूछ ले। हाँ पूछते हैं, चलिए। सुनिए, हमने एक साड़ी पसंद की थी, हमने पैक करवाने के लिए दिया था, पर काफी देर हो गई, अब तक आई नहीं, आप जरा पूछिए ना। एक मिनट में देखता हूँ। प्रदीप, इनकी साड़ी का क्या हुआ? अरे वो साड़ी यही तो रखी थी जो मैडम ने पसंद की थी। हाँ पर कहाँ है? कहाँ गई? कहाँ गई फिर? तो फिर कहाँ गई भैया? वो मैडम आपके पास तो नहीं रह गई गलती से? अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? हम तो वहाँ खड़े थे इतनी देर से और साड़ी तो यहाँ रखी थी। मैडम वो साड़ी बहुत महंगी थी, बात को समझो, तलाशी तो लेनी पड़ेगी। खबरदार, अगर हमारी दादी को हाथ भी लगाया तो। और क्यों लेंगे आप हमारी दादी की तलाशी? मैडम बात को समझो, बहुत महंगी साड़ी है वो, हमारी नौकरी जा सकती है। मैडम आपके बैग की तलाशी लेनी होगी हमें। क्या मत समझ रही है? आप तो सीधे सीधे हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, अगर अगर हम लोग साफ सुथरे कपड़े पहन के यहाँ आते तो क्या तब भी आप उस साड़ी की चोरी होने का इल्जाम हमारे ऊपर लगा देते? नहीं ना। और देखिए, हमें लगता है ना कि आप अपना सीसीटीवी कैमरा चेक करिए, आपको उसमें पता चल जाएगा कि वो साड़ी कहाँ गई, किसने ली। अभी चेक कर रहे हैं। एक मिनट बैग दिखा देते ना। बैग क्यों दिखाएंगे आप अपना बैग? ठीक है, चुप रहिए। प्रदीप तुम जाओ यहाँ से। जी सर, सॉरी मैम। मैम आई एम रियली सॉरी, हमारे स्टाफ के बिहेवियर के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इस स्टोर में आपको जो अच्छा लगे आप ले लीजिए, आपके लिए फ्री है। भिकमंगे थोड़ी हम। दादी उन्हें अपनी बात पूरी तो करने दीजिए। मैम आपको हमारे स्टोर से जो भी साड़ी पसंद आए आप ले लीजिए, हमारे तरफ से गिफ्ट है। गिफ्ट? हाँ जी बिल्कुल गिफ्ट है। और इतना ही नहीं, हमारे सलोन से आपको फ्री में सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। सलोन मतलब? पार्लर, पार्लर मैम। अच्छा जी बिल्कुल। नहीं नहीं देखिए, हमें इतना कुछ नहीं चाहिए। नहीं काहे? नए साल में नई कृष्णा नहीं बनना का है? हाँ ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते, बहुत अच्छी लग रही हूँ। हाँ आओ ना, आओ। जब तुम्हारा इंतजाम तुमने कर दिया था फिर कहाँ डाका डाला तुमने? आप ही की बीवी है, ऐसे कैसे डाका डालेंगे? अपनी मेहनत से इंतजाम करके लेकर आए हैं। ठीक ठाक ही लग रही हूँ। कृष्णा जैसी लड़की को जीत कैसे छोड़ सकता है? वैसी गौ लड़की तो दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। वैसे भी गोपाला और जीत की जोड़ी बहुत जम रही है। पर कृष्णा गई कहाँ यहाँ से? अम्मा जी भी उसके साथ ही गई है ना? लगता तो ऐसे ही है। खेल शुरू करने का समय आ गया है। कृष्णा के होते हुए जीत और उसके परिवार को आँच भी नहीं आ सकती, और उस गोपाला को तो हम छोड़ेंगे नहीं।
अब देखिए नथ दंगल प्ले पर टीवी से पहले।